बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सांदल कॉलेज बॉयज़ सेक्शन ऑनलाइन क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ अख्तर सईद, योर इंग्लिश टीचर, विद अनदर लेक्चर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्थी। आई ऑल्सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक। टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 8 ऑफ इंग्लिश बुक 1 फर्स्ट ईयर, द गुलिस्तान ऑफ सादी, यानी गुलिस्तान सादी। आज हम बहुत ही दिलचस्प और हिकमतो दानिश से भरपूर शेख सादी की हकायात पढ़ने जा रहे हैं। मुझे यकीन है आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और उन अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। बिफोर एम्बार्किंग ऑन टुडेज़ लेक्चर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऑल दी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैव बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट डिस्क्रिप्शन लिंक after watching this video lecture. We'll start on page number 51 onwards. The Gulistan of Saadi has been written by Shaykh Saadi Shirazi. Shaykh Saadi Shirazi is a major Persian poet and prose writer of the medieval period. He is also recognized for the quality of his writings and for the depth of his social and moral thoughts. His parables are so good that they have been translated in many languages of the world. Now, dear students, I would like to discuss the brief summary of today's lesson, the Gulistan of Saadi. There are 3 parables in today's lesson with great moral lessons to reform the society. First parable is about a king and Persian slave, with the moral that a man does not realize the worth of safety from misfortune until he has tasted it. Second parable is about a Persian slave, with the moral that the foundation of oppression is always small, so avoid it. Third parable is about a king who wants to kill a boy to recover his health, with the moral that if you care for others, especially the weak ones, Allah Almighty blesses you. Now let's discuss the story in detail. Dear students, page number 51 of your English textbooks, The Gulistan of Saadi, yani Gulistan-e Saadi. First paragraph is important from the translation point of view. शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम किस्सा गो थे। शेख सादी एक अजीम कहानी गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड इज़ परपैचुअली मॉडर्न, सेड एमर्सन। परपैचुअली मीन्स फॉर एवर, परमानेंटली। एमर्सन ने कहा कि वो यानी शेख सादी तमाम अकवाम से मुखातिब हैं और हमेशा जदीद हैं। He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. वो गुलिस्तान को दुनिया की आला पाई की किताबों में से एक किताब समझते थे। यहाँ बाइबल्स बी स्मॉल होने की वजह से कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, इसलिए इसका मतलब है आला पाई की किताब, बहुत अच्छी किताब। फॉर क्योंकि ही फाउंड इन इट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ। यूनिवर्सैलिटी मीन्स जनरलिटी, क्योंकि उन्हें इसमें अखलाकी कानून की आफाकियत मिली। द गुलिस्तान, ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश, बिकेम लव फॉर द पीपल। लातीनी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा की गई गुलिस्तान लोगों के लिए एक पसंदीदा किताब बन गई। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, दिलचस्प बात यह है दैट इंग्लिश स्कॉलर्स यूज्ड सादीज़ ट्रांसलेटेड पैराबल्स, parables means fables, stories, in their divine books. Divine means मुक़द्दस, heavenly, till it was discovered. दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज़ उलमा सादी की तर्जुमा की गई हकायात को अपनी मुक़द्दस किताबों में उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहे जब तक कि ये मालूम नहीं हो गया, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि ये अंग्रेज़ी तर्जुमा है ऑफ आ लैटिन वर्जन। वर्जन मीन्स एडिशन, नुस्खा, लातीनी नुस्खा ऑफ पर्शियन ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स बेसिस, बुनियादी तौर पर फ़ारसी ज़ुबान का। ये एक लेंथी सेंटेंस है, मैं इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज़ उलमा सादी की तर्जुमा की गई हकायात को अपनी मुक़द्दस किताबों में उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहे जब तक ये मालूम नहीं हो गया कि ये बुनियादी तौर पर फ़ारसी ज़ुबान के लातीनी नुस्खे का अंग्रेज़ी तर्जुमा है। Edward Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms. Culinary means cookery, our kitchen, खाने पीने से मुताल्लक, बावर्ची खाने से मुताल्लक। Edward Arnold ने बजा तौर पर गुलिस्तान को खाने पीने की इस्तेलाह में यूँ बयान किया है as an intellectual pilaf. Intellectual means scholarly, intelligent, दानिशमंदाना पलाओ, a literary curry. Literary means adbi, fictional, adbi shorba, a kebab of versatile genius. Versatile means all round, hamagir. Genius means intellect, intelligence, जहानत। एडवर्ड आर्नल्ड ने बजा तौर पर गुलिस्तान को खाने पीने की इस्तेलाह में यूँ बयान किया है कि ये एक दानिशमंदाना पुलाव, एक अदबी शोरबा और हमागीर जहानत का कबाब है। यानी गुलिस्तान जहानत, दानिशमंदी और अदब का एक मजमुआ है। The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. क़ारीन यकीनी तौर पर इन कहानियों से ज़हनी खुराक के तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। Dear students, पहली हकायत की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट पैराग्राफ उर्दू ट्रांसलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. एक मरतबा एक बादशाह और एक ईरानी ग़ुलाम, एक फ़ारसी ग़ुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। The slave had never been at sea. ग़ुलाम कभी भी समंदरी सफ़र पर नहीं निकला था। And never experienced any calamity. Calamity means disaster, catastrophe, आफत, मुसीबत, और कभी भी किसी आफत का सामना नहीं किया था। आफ्टर सम टाइम द बोट वॉज हिट बाई अ स्टॉर्म। कुछ अरसे के बाद एक तूफ़ान ने कश्ती को आ घेरा। एंड स्टार्टेड टॉसिंग। टॉसिंग मीन्स लर्चिंग, स्टैगरिंग, और वो हचकोले खाने लगी। इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स। इनकन्वीनियंट मीन्स ट्रबलसम। ये बात मुसाफिरों के लिए बहुत ज़्यादा बेआरामी का बाइस थी। ऑल रिमेंड क्वाइट एक्सेप्ट द स्लेव। उस ग़ुलाम के अलावा तमाम लोग खामोश रहे। हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड बिगैन टू क्राई एंड ट्रैम्बल। जो पानी में डूब जाने के खौफ से रोने लगा और कांपने लगा। उस ग़ुलाम के अलावा तमाम खामोश रहे जो डूब जाने के खौफ से चिल्लाने लगा और कांपने लगा। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए बेआरामी पैदा कर दी। ट्रबल, प्रॉब्लम। द अदर्स ट्राइड टू पैसिफाई हिम। पैसिफाई मीन्स काम, सूद, बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स लव। दूसरों ने मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उसको पुरसुकून करने की कोशिश की, उसको चुप कराने की कोशिश की। बट ही डिडंट हेयर एनीबडी। लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। व्हेन दी अनईजीनेस। अनईजीनेस रेस्टलेसनेस, बेआरामी। व्हेन दी अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर द किंग ऑल्सो बिकेम डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड, एनॉयड, एंग्री। जब ये बेआरामी काफ़ी देर तक जारी रही तो बादशाह भी खफा हो गया। ये पैराग्राफ पंक्चुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन दैट बोट देयर हैपेंड टू बी अ सार्जेंट। उस कश्ती में इत्तेफाक से एक दारोगा भी था। हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम। आपकी इजाज़त से मैं इसे चुप करा दूँ। It will be a great favor. Favor means help, support. ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा। The king said, बादशाह बोला। The sergeant ordered the slave to be thrown into the water. दारोगा ने हुक्म दिया कि ग़ुलाम को पानी में फेंक दिया जाए। So that he could have experienced the true danger of life. ताकि वो ज़िंदगी के हकीकी ख़तरे का तजुर्बा कर सके। टू पर्सन्स थ्रू हिम इन द सी, दो आदमियों ने उसे समंदर में फेंक दिया। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउंड दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट, और जब वो पानी में डूबने लगा तो उन्होंने उसे कश्ती में वापस खींच लिया। एंड ही क्लंग, क्लंग मीन्स ग्रिप्ड, चिमट गया। द स्टर्न, स्टर्न मीन्स बैकबोन, कश्ती का अकबी हिस्सा, कश्ती का पिछला हिस्सा, विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, और वो दोनों हाथों से कश्ती के अकबी हिस्से से चिमट गया। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट, तब वो बैठ गया और खामोश रहा। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये बात बादशाह को बड़ी अजीब लगी। हु कुड नॉट कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड मीन्स अंडरस्टैंड, ग्रैस्प। डियर स्टूडेंट्स, ये पर्पल कलर में है। कंप्रीहेंड आपकी एमडीकैट वोकैबुलरी में शामिल है, इसलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स याद करने की कोशिश कीजिए। Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant, जो sergeant के इस अमल में हिकमत को ना समझ सका। And he asked about it, और उसने इसके बारे में पूछा। The sergeant replied, दारोगा ने जवाब दिया। Before he had experienced the danger of being drowned, पानी में डूब जाने के ख़तरे का तजुर्बा करने से पहले, ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो कश्ती की हिफाजत के बारे में आगाह नहीं था। अ मैन, ये असल में उसका मॉरल लेसन भी है। अ मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी, वर्थ मीन्स कदर व कीमत, वैल्यू, फ्रॉम द मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून बैड लक, मुसीबत, अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट। कोई आदमी मुसीबत से पनाह की कदर व कीमत का उस वक्त तक एहसास नहीं करता जब तक कि उसका जायका नहीं चख लेता। डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरी हकायत की तरफ बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड दैट वाइल अ डियर वॉज बीइंग रोस्टेड फॉर नौशेरवा, बयान किया जाता है कि जब नौशेरवा के लिए एक हिरन भुना जा रहा था, अ किंग ऑफ पर्शिया, जो कि ईरान का बादशाह था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए मशहूर था। नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, तो नमक ना मिला। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। बयान किया जाता है कि अपने इंसाफ के लिए मशहूर ईरान के बादशाह नौशेरवा के लिए जब एक हिरन भुना जा रहा था तो नमक ना मिला। अ बॉय वॉज सेंड टू अ विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट, एक लड़के को गांव से नमक लाने के लिए भेजा गया। द बॉय ब्रॉट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, प्रेजेंटेड मीन्स ऑफर्ड, पेश करना। लड़का उसे ले आया और बादशाह को पेश कर दिया। हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट, जिसने पूछा कि क्या उसने इसकी कीमत अदा कर दी है। नो, नहीं, सेड द बॉय, लड़का बोला। पे फॉर द सॉल्ट, ये पंक्चुएशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पे फॉर द सॉल्ट सेड द किंग, नमक की कीमत अदा करो, बादशाह ने कहा। लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम, कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, रिचुअल। एंड द विलेज बी रूएंड, रूएंड मीन्स डिस्ट्रॉयड, तबाह हो जाना। नमक की कीमत अदा करो, बादशाह बोला, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक रवाज बन जाए और गांव तबाह हो जाए। हैविंग बीन आस्क्ड What harm could arise? Harm means damage from such a trifling demand. Trifling means ordinary, मामूली। ये पूछने पर कि इतनी मामूली सी चीज़ मांगने पर क्या नुकसान पैदा हो सकता है। Foundation of oppression was small in the world. Foundation means बुनियाद, basis. Oppression means जुल्म, cruelty. दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी थी, said the king, बादशाह बोला। Whoever enlarged it, enlarged increased, so that it reached its present magnitude. Magnitude means हजम, size, scale, is at fault. जिस किसी ने भी इसको बढ़ाया यहाँ तक कि ये अपने मौजूदा हजम तक पहुँच गया वो कसूरवार है। इफ़ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट, अगर बादशाह अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खा लेगा, हिज स्लेव विल पुल डाउन द होल ट्री, तो उसके ग़ुलाम उस सारे दरख्त को ही जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फॉर 5 eggs विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाई फोर्स, उन 5 अंडों की खातिर जो बादशाह ताकत के ज़रिए से हासिल करने की इजाज़त देगा, या उन 5 अंडों की खातिर जो बादशाह ज़बरदस्ती हासिल करने की इजाज़त देगा, द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी विल पुट 1,000 fowls ऑन द स्पिट। फाउल्स मीन्स मुर्गियाँ, चिकन्स, हैंस, स्पिट मीन्स सीख, राड। तो उसकी फ़ौज के लोग 1000 मुर्गियों को सीख पर चढ़ा देंगे। मैं एक मरतबा फिर इसका तर्जुमा करता हूँ, उन 5 अंडों की खातिर जो बादशाह ज़बरदस्ती हासिल करने की इजाज़त देगा, तो उसकी फ़ौज के लोग 1000 मुर्गियों को सीख पर चढ़ा देंगे। आ टेरेंट ज़ालिम को कहते हैं, ऑपरेसर डज़ नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स, कर्स मीन्स लानत, मलामत, मेलसन, इम्प्रिकेशन, ऑन हिम अबाइड्स फॉर एवर। अब अबाइड्स मीन्स रिमेन्स। एक जालिम तो दुनिया में नहीं रहता है, लेकिन उस पर हमेशा लानत मलामत होती रहती है। अब तीसरी हकायत की तरफ बढ़ते हैं, जिसका पहला पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और उसके सेहतयाब होने की तमाम उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। The more the disease was cured, the more it became painful. जितना ज़्यादा उस बीमारी का इलाज किया जाता वो उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देह होती जाती। At last the physicians agreed, आखिरकार मुआलजीन मुत्तफिक हो गए, that this disease could not be cured except by means of bile of a person. Bile कहते हैं सफरा, greenish brown alkaline fluid which actually helps in digestion and is secreted by the liver and stored in the gallbladder. Safara, endued with certain qualities. Endued means bestowed, equipped. आखिरकार मुआलजीन इस बात पर इत्तेफाक हो गए कि किसी ख़ास खूबियाँ रखने वाले आदमी के सफरा के बग़ैर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। Orders were issued to search for an individual of this kind. इस किस्म के शख्स को तलाश करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctor. एक किसान के बेटे के बारे में मालूम हुआ कि वो मुआलजीन की बयान करदा खूबियों का मालिक है। The king summoned the father and mother of the boy. Summoned means called, बुलाना। बादशाह ने लड़के के वालद और वालदा को बुलाया, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. बादशाह ने लड़के के वालद और वालदा को बुलाया, जिनकी रजामंदी उसने उनको बहुत ज़्यादा दौलत देकर हासिल कर ली। The Qazi issued a decree. Decree means orders, ahkamat, farman, to shed the blood of a person for the health of the king. काजी ने बादशाह की सेहत के लिए किसी शख्स के खून बहा का फरमान जारी कर दिया। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर, लड़के को कुर्बानगाह लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर जल्लाद को कहते हैं, स्लेयर, स्लॉटरर, ऑफिशियल किलर भी आप कह सकते हैं। वॉज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय। स्लॉटर मीन्स स्ले, किल, एक्सटर्मिनेट। लड़के को कुर्बानगाह लाया गया और जल्लाद को लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया। When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. जब सब कुछ तैयार हो गया तो लड़के ने आसमान की जानब देखा और मुस्कुरा दिया। वाई डू यू लॉफ इन सच अ पोजिशन, आप इस किस्म की सूरत हाल में क्यों कर मुस्कुरा रहे हैं? द किंग आस्क्ड, बादशाह ने पूछा। A son looks to the affection of his parents. Affection means love, care. एक बेटा अपने वालदैन की शफकत पर भरोसा करता है। Said the boy, लड़का बोला। If they fail, अगर वो नाकाम हो जाएं, they are expected to bring the case before the काजी to seek justice. अगर वो नाकाम हो जाएं तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए मामला काजी के पास ले जाएं। But in the present case, लेकिन इस मौजूदा मामले में the parents have agreed to get my bloodshed for the trash of this world. Trash means कूड़ा करकट, rubbish, garbage. लेकिन मौजूदा मामले में वालदैन ने इस दुनिया के कूड़ा करकट के लिए मेरा खून बहाने पर इत्तेफाक कर लिया है। द काजी हैज़ इशूड अ डिक्री टू किल मी, काजी ने मुझे कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया है। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू स्लेइंग मी। स्लेइंग मीन्स किलिंग, स्लॉटरिंग। बादशाह ये सोचता है कि महज मुझे कत्ल करने से वो सेहतयाब हो जाएगा। एंड आई सी नो अदर रेफ्यूज, रेफ्यूज मीन्स पनाह। रेफ्यूज पर्पल कलर में है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके MDCAT वोकैबुलरी में ये शामिल है, इसलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम याद करने की कोशिश कीजिए अभी से। शेल्टर, असाइलम, हेवन। बिसाइड्स अल्लाह ऑलमाइटी, बादशाह ये समझता है कि महज मुझे कत्ल करने से वो सेहतयाब हो जाएगा और मैं खुदाए बुजुर्गो बरतर के अलावा कहीं भी पनाह नहीं पाता हूँ। टू whom shall I complain against your brutality? Brutality means cruelty, जुल्म। If I am to seek justice from your hand, अगर मुझे आप ही से इंसाफ हासिल करना है तो मैं आप ही के जुल्म के ख़िलाफ़ किससे शिकायत करूं? द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड, बादशाह परेशान हो गया। एंड ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, और ये अल्फाज सुनकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। एंड सेड, और बोला, इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई दैन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय, मेरे लिए बेहतर है कि किसी मासूम लड़के का खून बहाने की बजाय मैं ही मर जाऊं। ही किस्ड द हेड एंड आइज़ ऑफ द बॉय, उसने उस लड़के का सर और आँखों को चूमा। एंड प्रेजेंटेड हिम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उसे बेशबहा दौलत से नवाज दिया। इट इज़ सेड, कहा जाता है, द किंग ऑल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक, के बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहतयाब हो गया। ये हमें सबक मिलता है कि जब आप अपने से छोटों पर, अपने से कमज़ोरों पर मेहरबानी करते हैं तो अल्लाह ताला भी आप पे मेहरबानी करता है। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज़ लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और इस लेसन यानी द गुलिस्तान ऑफ सादी के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिख दिए हैं, आप वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.